देखो जब हलीम ये दिखाओ, देखो हलीम दिखाओ, हलीम देखो अरे देखो, अब्बा, माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी और भर के बरसा रहा हूँ मैं और भाई। पतीला फूल है। अरे ये बोटी है। अरे बोटी है सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। एक बार फिर से इस्तकबाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज है इरफान भाई के घर हमारी दावत, और इरफान भाई ने बनाया है हलीम, हलीम चावल। तो अब ये तैयारी कर रहे हैं, हलीम चावल तो बन गए बट तैयारी कर रहे हैं ये निकालने की। अभी ये काट रहे हैं हरी मिर्च और धनिया ग्रीन। हरी मिर्च तो काट दी इन्होंने, धनिया ये हलीम की तरह इरफान भाई बना दिया। टेस्टी और मज़ा आ जाएगा आज भाई, डबल खाऊंगा डबल। देखो भाई ये भाई देखो हलीम, वाह वाह माशाल्लाह। कैसा बनाया, कितनी देर लगी बनाने में? पूरी रात बनी है, पूरी रात 6 घंटे लगा पूरा घोटाई में। और घोटा कैसे? घोटा चम्मच, इससे घोटा तो बहुत टाइम लगेगा और चम्मच से है, लेकिन यार मज़ा आ जाएगा। देखते हैं अभी कैसा लगेगा खाने में। तो ये इस बात का तो यकीन है कि भाई हलीम टेस्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि इनका हाथ का जो उस दिन बनाए थे इन्होंने कोफ्ते, बेमिसाल मज़ा आ गया कोफ्तों में। और हलीम भी 100% अच्छा होगा। तो अब हलीम निकालने वाले हैं, बस ये जल्दी से सफ़ा कर लें। और हरी मिर्च काट दी इन्होंने, क्योंकि हरी मिर्च हलीम में और लेमन और हरी मिर्च और धनिया जो है ऊपर से डालते हैं तो टेस्ट ज़्यादा आता है। और यहाँ रखे हैं चावल, तो जिसको चावल चाहिए तो चावल भी डाल सकते हैं ये वाले हलीम चावल साथ में। हलीम चावल मेरे को तो पसंद नहीं है, हलीम चावल मुझे भी नहीं पसंद, खाली हलीम अच्छा लगता ना। तुम्हें पसंद है क्या हलीम चावल साथ में? मुझे नहीं पसंद, मैं खाते नहीं। जोर से मैं रामपुर में खाया बस हलीम। इंडिया में हलीम कहाँ का सबसे अच्छा लगता है तुम्हें? कानपुर का। और रामपुर का तुमने खाया, बब्बू खा का हलीम कैसा लगा? वो भी सही है, वो भी सही है। और मुरादाबाद का हलीम? वो चावल के साथ देते हैं ना। हाँ चावल के साथ देते हैं। मुरादाबाद का हलीम भी बहुत अच्छा, और हमारे रामपुर का बब्बू खां के नाम से हलीम मशहूर है, तो उनका ही बहुत अच्छा होता है। कानपुर में भी हलीम बनता है? कानपुर में तो मशहूर हलीम है, हर 10 कदम पे पतीले लगे हैं हलीम के, हलीम के बिरयानी बिरयानी के। और मुरादाबाद में मुरादाबादी बिरयानी अखनी वाली, मुरादाबाद में बिरयानी मुरादाबादी। अच्छा अच्छा इरफान भाई एक चीज़ बताओ, तुम अपने एक मुँह में कि कितनी चीज़ें बना सकते हो, तुम क्या क्या बना लेते हो, मतलब फेवरेट चीज़ों में, मतलब अच्छी चीज़ों में क्या क्या बना लेते हो? जोर से। चिकन कोरमा, और चिकन चंगेजी, और चिकन मलाई, और चिकन तंदूरी, और चिकन मसाला, और तुम्हारे चिकन मलिया, और उसमें बीफ में, बीफ में कोरमा भी बनता है, और भुना बनता है, भुना गोश्त बनता है, और हल्दी सालन भी बनता है। अच्छा, और रोटी में, रोटी बना लेते हैं? रोटी नहीं बना पाते भाई। अच्छा पराठा, पराठा तो तुम नहीं बना पाते यार वो क्यों बनाया था एक बार तुमने? बस बनाया था, बस बनाने क्या है, पराठा ही बनाना आता मुझे पता है। तुमने पराठा बनाया नहीं था, उसका क्या कहते हैं उसको, मूली का बनाया था, अच्छा बना था यार, बहुत अच्छा था। है अच्छा इरफान भाई, तुम्हारा कब जाने का इरादा है इंडिया, फाइनल यहाँ से बिल्कुल फाइनल? फाइनल भाई ये सफर जाएंगे, एक सफर और करेंगे बस, खलास। मतलब अब जाओगे 1-8 साल के बाद जाओगे, उसके बाद फिर एक बार और आओगे, उसके बाद उधर क्या करोगे? उधर तो हम लकड़ी का काम कर रहे हैं। लकड़ी का मतलब? लकड़ी कटाई का मतलब। अच्छा, बाग पुराने लेके कटवाना है। अच्छा लकड़ी कटाई मतलब माल बेचना, कटवा के वो लिप्टस वगैरह जो खरीद लेते हैं खड़े, वो खरीद के यही गंदगी जो हमारा वाली साहब करते थे वही करेंगे जाके। अच्छा तुम्हारा खानदानी काम है? हाँ तो उसमें खानदानी काम में तो खैर मज़ा ही है। यहाँ सऊदी में कैसा लगता है तुम्हें, याद आती है घर की? उनको आती है मुझे तो बहुत आती है, समझ लो सबको आती है। अच्छा खाने में सबसे फेवरेट तुम्हें क्या बनाना लगता है, उस खाना सबसे यार ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है बनाने में भी खाने में भी सबसे बेहतरीन? हमें तो सभी चीज़ बेहतरीन। नहीं नहीं एक चीज़ ऐसी होती है ना, सबसे खाने में सबसे अच्छा मुझे ये लगता है और बनाने में मेरे को आता है। बनाने में तो हम चिकन चंगेजी भी तुमने खाया है, कैसी है, बिरयानी भी खाई हमारे हाथ की तुमने, चिकन कोरमा भी खाया तुमने हमारे हाथ का, सब कुछ खाया, वो ब्रुस्टेड भी खाया तुमने हमारे हाथ का। अरे सबसे सबसे मुश्किल कौन सी डिश बनाने में आपको लगती है सबसे मुश्किल? सब है हमारा, हमारी डिश सारी मुश्किल से बनती है। नहीं एक मुश्किल ऐसा होता ना यार, इसमें बड़ा झंझट है, झमेले। नहीं झमेले तो सब में हमारे यार, चंगन चंगेजी में कितना झमेला है तुम्हें मालूम है? इसकी तैयारी कब से कर रहे थे हलीम की? हलीम की तो कल से किया है। कल से तैयारी पूरी होकर आज हुई है। निकालो भैया निकालो, कहा हो तुम, झूठ बोल लो कि आ रहा हूँ, निकल गया और आ रहा हूँ। हलीम हलीम नहीं खाना है?
हलीम खाना नहीं खाना है? कहाँ पे पहुँचे? अरे पैसे ट्रांसफर कर दो, पैसे ट्रांसफर कर दो, निकाल के देने। इसमें तुम्हें खिलाना है। मैंने कहा था आप लोग खा लो, खाना खा लो, इसमें खिलाना। अब कितनी देर लगेगी? अब तो ना ना ना, हाँ बढ़िया लग रहा है। जा यार हलीम, इतनी बढ़िया बनाया तुम आई नहीं रहे। देखो तो हलीम दिखाओ, हलीम दिखाओ, हलीम देखो, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। और भर के और पतीला फूल है, फूल आ रहे हैं कह रहे हैं। अब कितने दिन आ रहे हो? 10 मिनट में ड्यूटी लग गई। तो चलो आ जाओ, निकालो भाई, निकालो, निकालो। माशाल्लाह यार, कलर तो बहुत शानदार है। मैंने कपिल का, मैं फोन कर रहा था, मैंने क्या कहा कपिल को, मैं फोन आ गया तो मैंने ये बहाना बना दिया, मैंने खाना खाने जा रहा हूँ, 10 मिनट में आऊँगा। इतनी छोटी छोटी बड़ी डाला है, कह रहा है घंटे वाला कोई मुश्किल नहीं है। कहीं खाना ही खा रहे बना कही? हाँ मैंने कह दिए, वो फोन आ गया ना तो मुझे बहाना बनाने मिल गया। टीम पान भाई फोन आ गया इसलिए। बोटी निकालो, बोटी बोटी जो आ रही है भाई, आ रही है। तोड़ दी तुम तो सारी, हां तोड़ दी जो आ रही है। सही करा बोटी, मैंने कह रहे दाल खिलाऊंगा, मसाले की आ रही है। इसमें डालो, इसमें ये डालो, हरी मिर्च डालो इसमें, ये वाली अपने आगे दागी नींबू, मैं नहीं खाता हूँ। आ जाओ, बोटी आई निकल रही। अरे ये बोटी है? अरे बोटी है सही, आधा किलो उसमें गाली में पतली पतली, ये भी गाली हो जाएगी। मजा आ गया, जब रख दो भी गाली हो जाएगी। खा के देखो, खा के देखो, खा के। बोटी आ ही नहीं जा रहा मैम। अरे ये कहाँ, बोटी गुम हो गई। कैसा मजा आ गया? नमक कम है ना? नमक हल्का सा कम है, मैं कहने वाला था। बाकी अच्छा आया, नमक डाले थोड़ा डालना, नहीं ज़्यादा मत डालना। हाँ सर, गर्मी मिर्चें बहुत हैं यार। मिर्चें कितनी डाली मिर्चें तुमने बताओ मुझे? हैं मिर्चें देखिए जितनी पड़ती उतनी डाली है, मिर्ची ज़्यादा डाली तुमने। तुम हरी डालोगे तो लगेगा तो ही है। मैं डाली लगे तुमने, उसने पीस के डाली है, फिर काली मिर्चें भी डाली है, मसाले भी। कैसा लग रहा फन भाई ये चलाओ ना यार ऐसी? पेट फुल हो गया खाना है मेरा तो भाई, खलास खत्म हो गया, पेट फुल हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। पानी दो, पानी पानी बोतल दो भाई, गर गर्मी लग गई। खा के क्या पहुँच लो? प्लेट टिश्यू पेपर था, प्लेट पहुँच लो टिश्यू पेपर था, क्योंकि वो हमाम गंदा हो जाता ना फिर। मिर्चें टिश्यू पेपर से पराठे पहुँची जा रही है, देख रहे हो? ये है सऊदी की, अरे टिश्यू पेपर से पराठे पहुँची जा रही है। और क्या धोना ना पड़े जिसमें हमारी भी तो इतनी आलसी। मज़ा आ गया यार, टेस्टी था माशाल्लाह से, नमक हल्का सा कम था, हरी मिर्च बहुत टेस्टी। एक रियाल का एक टिश्यू पेपर है, लाओ दो। लोगों से क्या कहोगे अब, लोगों से क्या कहोगे? आज हमारे किसे खाना आता है? क्या बेचारे आएंगे यहाँ खाने हमारे पास ये लोग, और कहाँ आएंगे? क्यों नहीं आ सकते, जो यहाँ आगे वो तो आ सकते हैं ना। हाँ यहाँ क्या, बोलो उनको दावत दे दो, जो यहाँ रहता है भरा हुआ उसमें भी तो खाने से पहले बोलना। अभी देख लो भाई, सच्चाई दिखा रहा हूँ, देखो कितना भरा हुआ, देखो अभी देखो कितना भाई, आधा है अभी तो, आधा भी खत्म नहीं हुआ पूरा। ये कल शाम, आज शाम को चलेगा, कल सुबह को चलेगा, अभी दो टाइम हो कैसे वसूल ना भाई। कमेंट करके बताओ कैसा इरफान भाई ने बनाया, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करो और लाइक करो वीडियो, और क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब। ओके अल्लाह हाफिज़। मोबाइल पे क्यों रख दिया?